बच्चों, मैं सुनीता बैरवा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 यानी कि क्लास 5 की हिंदी का पार्ट 2, जिसका नाम है मेहनत की कमाई। बच्चों, इस कहानी में क्या होता है, एक अमीर बाप होता है और उसके एक बेटा होता है। वो बहुत ही आलसी और लापरवाह होता है, तो उसे सुधारने के लिए उसके पिताजी उसे कहते हैं कि जाओ कुछ कमा कर लाओ। लेकिन वो पहली बार क्या करते हैं, जाता है और वो अपनी माँ से कुछ सिक्के ले आता है, 1 रुपया ले आता है कि माँ मुझे कुछ दे दो। माँ उसे मना कर देती है और वो गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है, और आखिरकार उसकी माँ को उसके ऊपर दया आ जाती है और वो उसे दे देती है। जैसे ही वो पैसा मिलता है उसे, वो अपने पिताजी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं यह कमा कर लाया हूँ। उसके पिताजी उसे बोलते हैं कि जाओ इसे कुएं में फेंक कर आ जाओ। तो बच्चा आसानी से जाता है और उसे कुएं में फेंक कर आ जाता है। फिर दोबारा दूसरे दिन उसके पिताजी उसे कहते हैं कि बेटा जाओ तुम कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा। दूसरे दिन भी वह बिल्कुल वैसा ही करता है, अपनी बहन के पास जाता है और उसके पास जाकर गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है। उसकी बहन को उसके ऊपर दया आ जाती है और उसकी बहन उसे 1 रुपया दे देती है। उसके पा वह वापस फिर से वही करता है, अपने पिताजी के पास जाता है और उसे जैसे ही उसके पिताजी पूछते हैं आज क्या कमा कर लाए हो, तो खुद वो रुपए निकाल के उसे दे देते हैं। पिताजी फिर वही बोलते हैं कि जाओ इस रुपए को कुएं में फेंक कर आओ। वो बच्चा आसानी से जाता है जल्दी जल्दी और उसे कुएं में फेंक कर आ जाता है। दूसरे दिन उसके पिताजी समझ जाते हैं कि ये उसने खुद नहीं कमाया, किसी से, मतलब इसकी माँ से और बहन से लेकर आया है। दूसरे दिन उसके पिताजी उसकी माँ को और बहन को कहीं बाहर भेज देते हैं और फिर से उसे बोलते हैं कि आज जब तक तुम कुछ कमा कर नहीं लाओगे तुम्हें खाना खाने को नहीं मिलेगा। तो बच्चों दूसरा दिन होता है और वो उसे बोलता है। बच्चा जाता है तो उसे कोई भी मदद करने वाला नहीं मिलता। आखिरकार वो सोचता है कि मैं कुछ कमा लूँ, नहीं तो मुझे पिताजी खाना नहीं देंगे। आखिरकार में उसे एक सेठ जी मिलते हैं जिसका वो थोड़ा सा सामान ढोता है, उसे 4 आने यानी कि बहुत कम पैसे मिलते हैं। जैसे ही वो कमाकर उन पैसों को जाता है अपने पिताजी के पास, तो वो बहुत थक चुका होता है, उसके पैर लड़खड़ा रहे होते हैं और गर्दन में दर्द हो रहा होता है। उसके पिताजी बोलते हैं कि लाओ आज क्या कमा कर लाए हो। तो बच्चा उन पैसों को पिताजी को देता है, तो उसके पिताजी बोलते हैं कि जाओ इन्हें भी कुएं में फेंक कर आ जाओ। लेकिन बच्चा बहुत क्रोधित होता है और बोलता है कि मैंने इन पैसों को कमाने के लिए इतना दुख उठाया है और मैं इन पैसों को आपको कुएं में फेंकने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से इसे कमा के लाया हूँ। इसको कमाने में मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, मैंने बहुत मेहनत की है, परिश्रम किया है, मैं इसे फेंकने नहीं जाऊंगा। अंत में जो सेठ जी, जो अमीर व्यक्ति होता है, वह समझ जाता है कि अब इसे परिश्रम का अर्थ पता चल चुका है और अब यह कभी भी लापरवाही या आलस नहीं करेगा और सारा व्यापार उसकी नाम कर देते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा पाठ, हमारी कहानी पढ़ना। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, यानी कि जो अमीर सेठ जी थे उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा जा कुछ कमा ला, कि जाओ कुछ कमा कर लाओ। लड़का लापरवाह और निर्लज था। जैसे कि बच्चों हमने समझा कि जो बच्चा था वो लापरवाह, यानी वो बहुत लापरवाही करता था किसी काम को करने में। जैसे उसके कोई काम करने के लिए बोलते थे तो वो सोचता था बाद में कर लूंगा या नहीं कर, जैसे बाद में करता जाता था और फिर वो काम नहीं होता था। निर्लज्ज यानी कि वो बच्चा बेशर्म था, कोई उसे डांटता था, पिताजी कुछ बोलते थे तो उसे वो बातें नहीं लगती थी। काम करने की उसकी आदत नहीं थी, मतलब जो वो बच्चा था वो काम नहीं करता था कभी, तो उसे काम करने की आदत ही नहीं थी। सीधा माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नते कर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। और वह बच्चा, मतलब जैसे ही उसके पिताजी ने कहा कि जाओ कुछ कमा कर लाओ, तो वह बच्चा सीधा अपने माँ के पास गया, उसके पास रोने धोने लगा और मिन्नते यानी कि उससे मांगने लगा पैसे कि मुझे दे दो, उससे प्रार्थना करने लगा कि मम्मी मुझे पैसे दे दो, मुझे पापा को देने हैं या कुछ काम है। उसकी माता उसकी इतनी सारी रोना धोना आंसू देखकर पिघल गई और उसे पैसे देने के लिए राजी यानी मान गई, उसे पैसे देने के लिए तैयार हो गई। माँ से बेटे का दुख देखा ना गया, उसने उसे 1 रुपया बक्से से निकाल कर दे दिया। और माँ, जैसे वो बच्चा रो रहा था तो उसकी माँ को उसके ऊपर दया आ गई और वो पैसे देने के लिए राजी हो गई, निकाल कर दे दिया और उसे बक्से से निकाल कर उसने पैसा दे दिया। रात को बाप ने पूछा, मतलब जो सेठ जी थे, जो अमीर व्यक्ति थे, उन्होंने उस बच्चे से पूछा बेटा कि बेटा तूने क्या कमाया, कि तुम क्या कमा कर लाए हो। लड़के ने झट से रुपया निकाल कर
दिखा दिया। और बेटे ने जल्दी से, जैसे ही पिताजी ने उससे बोला कि क्या कमा कर लाए हो, तो उसने जल्दी से झट से वो रुपया निकाल कर दे दिया। मतलब जो उसकी मम्मी से वो रो धोकर मिन्नत करके लाया था, वो रुपया निकाल कर दे दिया। अनुभवी पिता सब समझ गया था। अनुभवी यानी होता है जिसे बहुत अनुभव हो। अनुभवी पिता सब समझ गया। उसके पापा ने पहले समझ लिया कि ये कहीं ना कहीं से लेकर आया है, इसलिए इसने अपनी जल्दी से निकाल कर दे दिया। उसने कहा जा इसे कुएं में फेंका। मतलब जो उसके पिताजी थे उन्होंने कहा कि जाओ इस रुपये को कुएं में फेंक दो। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया और वह बच्चा जल्दी जल्दी गया और उस रुपये को कुएं में उसने फेंक दिया या डाल दिया। अगले दिन पिता ने फिर कहा जा कुछ कमा ला। अगला दिन हुआ और उसके पिताजी ने उससे कहा कि जाओ कुछ कमा कर ले आओ, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा, वरना आज तुम्हें खाना नहीं देंगे। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। मतलब जो बच्चा था वो पहली बार तो अपनी मम्मी के पास जाकर रोने धोने लग गया, और दूसरी बार वो किसके पास गया, अपनी बहन के पास गया और रोने धोने लगा। बहन ने तरस खाकर, बहन ने दया में दया खाकर कि ये रो रहा है तो इसे दे देती हूँ, दया खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। बहन ने भी उसके रोने धोने पर, मिन्नत करने पर उसे 1 रुपया दे दिया। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, बाप ने मतलब उसके पिताजी ने रात्रि यानी रात में उससे पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया, कि आज फिर से आप क्या कमा कर लाए हो। लड़के ने जेब में से निकाल कर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया, और वैसे ही जैसे उसने पहले किया था पैसा मांगने पर, मतलब उसके पिताजी ने जब उससे मांगा कि क्या कमा कर लाए हो तो रुपया निकाल कर दे दिया, वैसे ही उसने अब किया, बहन से पैसा लाया और पापा जी के पूछने पर उसे निकाल कर दिखा दिया कि ये लो पापा आप पैसा, ये मैं कमा के लाया हूँ। बाप बोला जा इसे कुएं में फेंक आ, और फिर उसके पिताजी बोले वापस कि जाओ इसे कुएं में फेंक कर आ जाओ। लड़के ने बिल्कुल वैसा ही किया और लड़का जल्दी जल्दी गया, झट से उस पैसे को या रुपये को कुएं में डालकर आ गया। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। मतलब बच्चों उसके जो पिताजी थे वो समझ चुके थे कि ये मम्मी से पैसे लेकर आया है और दूसरी बार बहन से लेकर आया है, तो उन्होंने क्या किया, पत्नी को मतलब जो उस बच्चे की माँ थी उनकी बीवी, उनको बाहर भेज दिया और अपनी बेटी को भी बाहर भेज दिया, मतलब कहीं भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, मतलब जैसे ही बच्चा सुबह उठा उन्होंने कहा जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा, कि जाओ कुछ कमा कर लाओ वरना रात को तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा। मतलब वो दिन भर तो चुपचाप आलस 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 में रहा और चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और वो इसमें सोचता रहा कि अगर मैं नहीं कमा के लाऊंगा तो पापा मुझे खाना नहीं देंगे, और वह रोता रहा। कोई उसकी सुध लेने वाला न था, मतलब कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं था, मतलब कोई भी उसके बारे में पूछने वाला नहीं था, क्योंकि मम्मी भी जा चुकी थी उसकी और बहन भी जा चुकी थी बाहर। विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने निकला, और परेशान होकर मतलब कि अब तो मेरे पास कोई साधन ही नहीं है, मैं किससे लूँ, कौन मेरी मदद करेगा, तो वह गया संध्या के समय, मतलब शाम के समय वह बाजार में मजदूरी खोजने लगा, कि वह बाजार में गया और देखने लगा कि किसी का कोई काम हो तो मैं वो कर दूँ और मुझे कुछ मिल जाए। एक सेठ ने कहा मेरा यह संदूक उठा कर पहुँचा दे, घर पहुँचा दे, कि बेटा मेरा यह संदूक उठा और घर पहुँचा दे। बच्चों उसे कोई नहीं मिला उसकी मदद करने के लिए, तो वह परेशान हो गया और मजबूर होकर, विवश होकर बाजार में मजदूरी ढूंढने निकल पड़ा। वह जैसे बाजार में पहुंचा, काफ़ी देर ढूंढने के मजदूरी ढूंढने के बाद मतलब कोई काम ढूंढता रहा, उसे नहीं मिला। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एक सेठ यानी कि एक सेठ जी मिले। उन्होंने कहा कि यह संदूक मेरे घर पहुंचा दो, कि ये बक्सा उठाकर मेरे घर पे पहुंचा दो, मैं तुझे 4 आने दूंगा, और मैं तुम्हें कितने पैसे दूंगा, तुम्हें 4 आने दे दूंगा। एक सेठ जी उसे मिले और उन्होंने कहा कि मेरा ये बक्सा मेरे घर पहुंचा दो, मैं तुम्हें इसके बदले में 4 आने दे दूंगा। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया, और जो बेटा था अमीर बाप का उसने क्या किया, वो सेठ जी के संदूक को उठाकर ले गया और सेठ जी के घर उसे पहुंचाया। वह थककर चूर हो गया और वो संदूक जैसे उठा के लेके गया उसके घर पे, तो वो बहुत बुरी तरीके से थक चुका था। उसके पांव कांप रहे थे और उसके जो पैर थे वो बिल्कुल कांप रहे थे, और गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। और उसकी गर्दन और पीठ में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि उसने संदूक उठाया था और पहली बार उसने काम किया था, परिश्रम किया था या मेहनत की थी। वो हमेशा आलसी था तो बैठा रहता था, कोई काम नहीं करता था। उसने पहली बार ये काम किया था तो वो थक चुका था, उसके पैरों में और गर्दन में भी दर्द हो रहा था।
रात को बाप ने पूछा, मतलब जैसे ही वो घर पे पहुंचा थक हार के, तो उसके पिताजी ने पूछा, बेटा आज तूने कुछ कमाया? तूने क्या कुछ कमाया कि आज तुम क्या कमा के लाए हो क्या कुछ? तो बेटा बोलता है, लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई, और लड़के ने वो चवन्नी यानी कि वो चारा आने निकाले और पापा को दिखाए कि मैं कि ये कमा के लाया हूँ। बाप बोला, जा इसे कुएं में डाला, और उसके पिताजी ने वही किया, फिर वही बोला कि जाओ और इन पैसों को भी कुएं में फेंक आओ। लड़के को क्रोध आ गया, मतलब बच्चों जैसे उसके पिताजी ने ऐसे बोला कि जाओ इसे भी कुएं में डालकर आ जाओ, तो बच्चे को बहुत गुस्सा आ गया। वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है कि इसे मैं मेहनत से कमा के लाया हूँ, ये मेरी मेहनत की कमाई है। मेरी गर्दन कमर और पैर दुखने लगे हैं कि मैं इतने पैसे इससे कमा के जो लाया हूँ, इसकी वजह से मैंने इतना काम किया है। मेरे पैर कमर दुखने लग गए, मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है, और आप बोल रहे हो कि इसे फेंक कर आ जाओ, इसे कुएं में डाला। अनुभवी पिता, मतलब अनुभवी यानी बहुत अनुभव रखने वाला पिता, पिता सब कुछ समझ गया, और उसके पिता को सब कुछ समझ में आ गया कि ये पैसे इसने खुद कमाए हैं, इसलिए ये इसे फेंकने नहीं जा रहा। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया, और अगले ही दिन उसके पिताजी ने क्या किया, सारा व्यापार उसे संभला दिया, क्योंकि वो बच्चा परिश्रम करना समझ चुका था, सीख चुका था, और उसे मेहनत करना आ चुका था। वह अब ये लापरवाही कभी नहीं करता, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि पैसे की कीमत क्या होती है, और अपना परिश्रम ही काम आता है। वह अब श्रम या मेहनत करना सीख चुका था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें किसी भी काम को समय पर कर लेना चाहिए, हमें आलसी या लापरवाह नहीं होना चाहिए, और बड़ों बड़ों के अनुसार जैसे हमें बड़े बताते हैं, उस अनुसार हमें काम करना चाहिए। चलिए बच्चों, तो आज हमने कविता पढ़ी, पाठ पढ़ा मेहनत की कमाई। अब हम पढ़ते हैं इसके शब्दार्थ, इसका अभ्यास कार्य। लापरवाह यानी कि असावधान बेफिक्र, विवश मजदूर, मिन्नत विनती, झटपट तुरंत तुरत फुरत, क्रोध गुस्सा, मेहनत परिश्रम यानी कि श्रम मेहनत करना। अब बच्चों, हम आगे इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए बच्चों, इसका व्याकरण बोध करते हैं। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। विपरीत अर्थ यानी कि इनके विलोम शब्द हमें लिखने हैं। दुख का क्या होगा? सुख। जल्दी का देर। रात्रि का दिवस। जीवन का मृत्यु। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें, मतलब ये शब्द दिया हुआ है, इसे हमें वाक्य बनाना है इसका। जैसे कि स्वस्थ, स्वस्थ रहने के लिए हमें मतलब स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें। उसी तरह पेड़ शब्द दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है, हमें इसका पूरा वाक्य यानी कि पूरा लाइन बनानी है। हमें पेड़ लगाने चाहिए, तो हमने काय का वाक्य बनाया है, पेड़ शब्द का। आगे वाला करते हैं बच्चों। जल, जल ही जीवन है, यानी कि जो जल शब्द दिया हुआ उसका हमने वाक्य बनाया है, जल ही जीवन है, यानी कि जल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। बेटी, बेटी को पढ़ाना चाहिए, मतलब बेटियों को भी शिक्षा देनी चाहिए। आदर, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, मतलब कि हमें बड़ों का, जो हमारे से बड़े होते हैं, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा पाठ मेहनत की कमाई। तो बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। मैं सुनीता बैरवा, थैंक यू सो मच।